सारा मिट्टी वाला रास्ता है और गाड़ी को आगे जाने को बहुत तकलीफ हो रहा है। सो गाइस, ये अभी मैगी खा रहे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा टेंट है जहाँ पे मैगी मिल रहा है और चाय मिल रहा है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स डे 3 राइट नाउ। वी आर इन श्रीनगर ओनली एट द अयात रेसिडेंसी। एंड कल रात को जो था ना वो ब्लॉग में एंड नहीं कर पाया। उसका रीज़न था कि वापस हैक्टिक शेड्यूल था और मौका ही नहीं मिला आपको गुड बाय बोलने के लिए। सो आज है 3rd डे और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं श्रीनगर टू कारगिल। सो ये 210 किलोमीटर का राइड होने वाला है और अभी टोटल हमारे साथ 31 लोग हैं। उसमें से 5 लोग जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं कैंपर वैन में और बाकी के जो लोग हैं 26 लोग, इंक्लूडिंग पिलियन राइडर, ऐसे 26 लोग हैं। तो टोटल बाइक्स आई गेस 18 है और हम लोग उसमें KTM एडवेंचर 390 है, क्लासिक 350 है, हिमालयन है, मेरा डोमिनार है। सो ऐसे वैरायटी ऑफ बाइक्स है एंड देर आर वेरी सम ऑफ देम आर न्यू राइडर्स, सम ऑफ देम आर एक्सपीरियंस्ड, सम ऑफ देम आर रैली राइडर्स। सो इट विल बी अ फन राइड एंड आप देखते जाना आगे आगे कैसे प्रोग्रेस करते हैं आज का दिन। और आज देखो मैंने ये कारगिल का टी शर्ट पहना है टू सैल्यूट द इंडियन आर्मी। सो उनके लिए स्पेशली ये कस्टमाइज करके मैंने बनाया है। सो स्टे ट्यून, एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टुडेज नाश्ता इज ऑमलेट एंड पाव। YouTube चैनल है भैया, कुछ तो करना पड़ेगा। सो ये मूनलाइट बेकरी यहाँ पे बहुत फेमस है श्रीनगर में, वहाँ से बेकरी आइटम्स आविक जी ने लाए। हाय आविक। हाय। एंड व्हाट आर द न्यू फ्रेंड्स नाउ? हेलो गाइस। हेलो सर, मैं वहाँ पे गिराता हूँ आपको, तो ये खाओ। थैंक यू। बट अपना जो लोनावला में फर्स्ट मिलता है उससे बेटर है बोल रही है। दिस इज कैंपर वैन और ये हमारे मैकेनिक साहब है। आपका नाम क्या बोला? जग्गू भाई। सो ये हमारे साथ रहने वाले हैं पूरा हेल्प करने के लिए। एंड दिस इज रौनक। हाय रौनक, और टूर कैप्टन। हाय गाइस, वेलकम ऑल। हेलो हेलो। सो गाइस, फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम द होटल। सो राइट नाउ वी आर इन मुरंदराबाद इन श्रीनगर, वेर वी स्टेड इन दी अयात होटल एंड दिस इज सिटी बेसिकली। इट्स वेरी क्लोज टू दल लेक। आई थिंक इट इज़ अराउंड 5-6 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर द दल लेक इज। सो वी हैव टेकन द फर्स्ट पेट्रोल ब्रेक एंड आई थिंक माई देर आर 2 बार्स देर, वी फुल करके ले लेते हैं बिकॉज आगे पेट्रोल पम्प तो बहुत सारे हैं, फिर भी यहाँ से ही फुल करके निकलना है आगे। तो इतने लोगों का पेट्रोल भर के हो गया है और ये कैंपर वैन वाले हैं। 1, 2, 3, 4 दिव्येश, प्रियंका, नम्रता एंड अमित। वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रीज के, अमरनाथ यात्रा करने वालों। सो ये जाता है हजरत बल। सो हम लोग हजरत बल की तरफ से आए और अभी ये कोई तो बड़ा चेक पोस्ट है। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट गंदेरबाल, R&B डिवीजन। दिस ब्यूटीफुल ब्रिज, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रिज दिस इज। दो गाड़ी पास नहीं हो सकती इस पे। सो ये जो व्यू है ना, ये बिल्कुल अपने पनवेल में एक गाड़ेश्वर डैम है उसका जो व्यू है ऐसे ही है, सेम फील आता है। एंड दिस इज ब्यूटीफुल श्रीनगर, an awesome climate. So guys, अभी हम कंगन गांव के पास में, almost 10 किलोमीटर्स है यहाँ से और द्रास इज अराउंड 117 किलोमीटर्स, कारगिल इज अराउंड 174 किलोमीटर्स एंड सोनमर्ग इज 55 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। सो गाइज, राइडिंग इन लद्दाख वॉज वन ऑफ माई ड्रीम्स
चबी में 2017 में आया था फर्स्ट टाइम लद्दाख में, तो मैंने SUV से ट्रैवल किया था श्रीनगर टू लेह, बट अभी हम लोग जा रहे हैं वो श्रीनगर टू मनाली जा रहे हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस है बाइक राइड का जो मुझे लेना था सिंस 2017 व्हेन आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। बाइक्स वगैरह पसंद है उनके लिए ये एक ड्रीम होता है कि यहाँ पे आके ट्रैवल करना है, बाइक चलाना है। सो आज वो मेरा ड्रीम है ना कंप्लीट होने के फर्स्ट स्टेप पे है, बिकॉज आज फर्स्ट डे है राइडिंग का। सो ये राइड जो है वो पूरी एडवेंचर राइड होने वाली है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी इमोशनल ऑल्सो, बिकॉज ये एक मेरा ड्रीम था जो मुझे कब से करना था, वो आज शायद से आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। सो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ एंड मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी है जो ये राइड पे है, सो आप तो सब उनको जानते हो, सो वी विल बी हैविंग फन टुगेदर। एंड दिस इज़ मंदार एंड दिव्येश। मंदार इज़ हैविंग अ स्टैंडर्ड 500 एंड दिव्येश मेरा कज़िन है। थोड़ा थोड़ा मालशेज का फील आता है, मालशेज में भी थोड़ा ऐसा ही है, ऑब्वियसली दैट दे आर डिफरेंट प्लेसेस, बट हमारे महाराष्ट्र में भी मालशेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये ऐसे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली फॉग भी वहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है। सो अभी कंगन गांव आया है, ये पूरा कंगन गांव का मार्केट है। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। सो वी हैव टेकन द फर्स्ट ब्रेक और हम यहाँ रुके हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सी दैट माउंटेन। कंगन गांव से थोड़ा सा ही आगे है, दैट इज दी एवरग्रीन होटल एंड रेस्टोरेंट। और सब बाइक्स लाइंड अप है यहाँ पे। फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम द नाश्ता प्लेस जहाँ पे हम रुके थे, और अभी ये माउंटेन्स जो है वो क्लाइंब करने हैं, सो इट विल बी अ फन राइडिंग हियर। सो गाइस फ्रॉम हियर द लेह इज अराउंड 370 किलोमीटर्स, कारगिल इज 153। आज का जो डेस्टिनेशन है वो कारगिल ही है, 150 किलोमीटर और जाने हैं। 1:37 PM हो चुके हैं। अभी खाने का प्लान जो है वो सोनवर्ग में होने वाला है। सो अभी घाट चढ़ना चालू किया है हमने। क्या व्यू है देखो गाइस, टर्निंग्स पे आराम से चलना है, स्लिपरी है और रालको टायर्स है, वो मैंने 2-3 महीने पहले ही डाले थे बाइक पे, बिकॉज थोड़ा ब्रेकिंग के लिए उनको टाइम देना था। अभी मेरे आगे है वो रौनक है जो हमारे राइडिंग कैप्टन है, इज़ फ्रॉम अहमदाबाद बेसिकली एंड लास्ट 2 महीने से वो यहीं पे ग्रुप्स को वो लद्दाख की ट्रिप करा रहे हैं। रोड्स आर वेरी ऑसम, जस्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड, आई मीन टारमैक जो है वो अभी रोड्स है, मस्त है। एंड ये पहला जो बर्फ है वो दिख रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग इट इज। वी आर जस्ट 9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सोनमर्ग, व्हाट अ व्यू गाइस। यहाँ पे ना जगह जगह पे सीनरी है, सो कहाँ पे फोटोज निकालने के लिए रुके समझ में नहीं आ रहा है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड और इंडिया इज ग्रेट। सो गाइज मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था, मेरा जो डोमिनर है उसमें ना मेन स्टैंड लगा हुआ है और हाइपर राइडर का मेन स्टैंड है। मैंने थोड़ा सा रिस्क ही लिया है बिकॉज ये ऑफ रोडिंग है और मैं मेन स्टैंड पे चला रहा हूँ, बट एज पर एज कन्वीनियंस इज कंसर्न मेन स्टैंड इज मस्ट फॉर द बाइक्स, बट द थिंग इज यहाँ पे ऑफ रोडिंग की वजह से वो लग सकता है। तो अभी यहाँ पे मैं चला रहा हूँ तो देखता हूँ उसका कैसा एक्सपीरियंस है। आई होप मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा बिकॉज पिलियन नहीं है मेरे साथ, पैनियर्स लगाया है, टॉप बॉक्स लगाया है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस
है, नॉट लाइक ADV 390 और हिमालयन, इट्स ऑब्वियसली उनसे कम है, बट होपफुली इट विल बी मैनेजेबल. लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज विद द मेन स्टैंड. बॉस लाइफ में एक बार तो जिंदगी में लद्दाख आना चाहिए. एनीवन हु लव्स एडवेंचर 100% दिस इज वर्थ द एक्सपीरियंस. एंड यहाँ के जो नज़ारे है बहुत ही खूबसूरत है. व्हाट अ व्यू गाइस, क्या व्यू है देखो, सुपर्ब. हाँ हाँ हाँ, कैंप्स भी लगा है, कोई तो भी अच्छा होटल दिख रहा है. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. हमारी जो इंडियन आर्मी है वो गाइस, क्या व्यू है देखो यार, यहाँ पे सुपर्ब व्यू है यार, अमेजिंग. यही देखने के लिए हम यहाँ आए हैं महाराष्ट्र से इतने दूर ट्रैवल करके. अपना जो देश है वो कितना सुंदर है. और ये मंदिर है कोई तो भी, इट्स जोजिला टाइगर शिव मंदिर. इंडियन आर्मी को शायद से पता है क्या कहाँ कहाँ रिस्क है, कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, उन्होंने उस तरीके से इंतजाम करके रखा है. बहुत फॉग है बॉस, क्लाइमेट देखो क्या चेंज हो गया है, सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा है. ये बर्फ देखो. सो ये फर्स्ट मोटोक्रॉस वाटरक्रॉस आया है जहां से मैं जा रहा हूं. ओह गॉड, ओह द एडवेंचर इज हियर गाइस. ओह क्या है ये, माय गुडनेस, एडवेंचर बिगिंस हियर गाइस. पूरा मिट्टी वाला रोड है. सुपर्ब. मेन स्टैंड थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा है, अगर पिलियन होता तो 100% लगता. तो गाइस एक और चीज़, यहाँ पे राइडिंग गियर्स का जो इम्पोर्टेंस है ना वो इधर आने के बाद मालूम पड़ता है. राइडिंग गियर्स कितने इम्पोर्टेंट है व्हेन यू राइड एट दिस टेरेन. सो ये आर्मी के ट्रक्स खड़े हैं. पूरा मिट्टी वाला रास्ता है और गाड़ी को आगे जाने को बहुत तकलीफ हो रहा है. रिट्स फंस गई है शायद से. आराम से जाना है गाइस, आराम से आराम से. ये अभी मैगी खा रहे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा टेंट है जहाँ पे मैगी मिल रहा है और चाय मिल रहा है, कॉफ़ी मिल रहा है, पानी मिल रहा है. सो वी हैव क्रॉस्ड द जोजिला पास एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द्रास कारगिल एंड इट्स ऑलमोस्ट 4:30 राइट नाउ. सो होपफुली वी विल एबल टू सी कारगिल वॉर मेमोरियल. वी हैव रीच द जोजिला पास. अभी जहाँ पे हम लोग ने लंच किया था, लंच इन द सेंस मैगी खाया था, उसके पास में ही है ये जोजिला पास. एंड फाइनली वी आर एट जोजिला पास. यस
and the riders are waiting for the photos. ये जो व्यू है गाइस कितना मस्त है देखो. बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे ऐसे ब्लू स्काईज दिखे, बड़े बड़े माउंटेन्स दिखे और वो जो बारिश है वो ना हो. और एग्जैक्टली वही माहौल में अभी हम जा रहे हैं. सो थैंक्स टू गॉड. आई वाज जस्ट प्रेइंग के बारिश ना हो, स्काई क्लियर हो. फोटोग्राफी के लिए वो बहुत मस्त लगता है. फाइनली धूप आ गई है. वाओ गाइस, वी हैव रीच कारगिल वॉर मेमोरियल फाइनली. इट्स ऑलमोस्ट 7 PM राइट नाउ एंड देयर इज लॉट ऑफ रश हियर आउट देयर. सो कारगिल वॉर मेमोरियल में देखने जैसा क्या क्या है तो विजय पथ है, सेनोटैप है, वॉल ऑफ फेम है, हर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस है, वीर भूमि है, जोजिला वॉर मेमोरियल है, MIG 21 है, हेलीपैड है और डाउन मेमोरी लेन है. ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते. सो दिस इज़ हाउ द कारगिल वॉर मेमोरियल लुक्स फ्रॉम द फ्रंट गेट एंड यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है. अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो डोनेशन बॉक्स में डाल सकते. सो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसे विजय पथ कहते हैं और ये रास्ता सीधा इंडिया के फ्लैग की तरफ जाता है सामने और अमर ज्योत भी वहाँ पे है. और ऊपर जो माउंटेन दिख रहा है वो है टोलेल जहाँ से ये जो वॉर है उसकी शुरुआत हुई थी. सामने जो दिख रहा है वो है अमर ज्योत और बराबर उसके पीछे ब्रास की जो वॉल है उसे वॉल ऑफ फेम कहते हैं और उसी के ऊपर सुनहरे अक्षरों में शहीद हुए हुए जवानों के नाम लिखे हुए हैं. सो अंदर आते ही लेफ्ट साइड में हमें ये विमान दिखता है, इसे MiG-21 कहते हैं. इसकी जो क्षमता है वो 600 किलोमीटर एक घंटे में भागने की है और इसका जो प्रयोग था वो उस समय वॉर में किया गया था. सो गाइज ये है फोर्स गन जो कारगिल वॉर में यूज हुई थी फर्स्ट टाइम. लेट्स मूव टू वीर भूमि एंड देशभक्ति वाले गीत यहाँ पे लगाए हैं. कारगिल वॉर मेमोरियल की हिस्ट्री जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. ये बात है 1998-99 की जब ही पाकिस्तान ने LOC क्रॉस करके हमारे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंट्री कर ली थी. हमारे जो हाईवेज थे लेह लद्दाख कारगिल श्रीनगर वाले वहाँ पे वो लोग डोमिनेट कर रहे थे और वो टेरिटरी उनको कैप्चर करनी थी. उनको रोकने के लिए हमारे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था जो कि 2 महीने चला था. वो बैटल जो था वो बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में अपने आर्मी को लड़ना पड़ा और फाइनली उसमें वो जीत मिली. सो हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी फॉर दैट. इस वॉर के दरमियान भारत के जो जवान थे 559 शहीद हुए थे और 1536 के आसपास घायल हुए थे. सो बिग सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी जिन्होंने अपने देश के लिए ये बलिदान दिया है. कारगिल वॉर मेमोरियल की जो स्थापना थी वो 2004 में की गई और हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. अपने जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है वो ट्रिब्यूट देने के लिए अमर जवान ज्योति जाते हैं जो इंडिया गेट में है. एंड ये है जोजिला वॉर मेमोरियल जो 1948 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था उसमें जो जवान शहीद हुए थे उनके मेमोरी में ये बनाया गया है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है. सो गाइज और दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं. फर्स्ट जो है वो राइट साइड में टाइगर हिल पॉइंट है, लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो राइनो हॉल है और राइनो हॉल को लग के ही जो बर्फ वाले पहाड़ है उसे बत्रा टॉप भी कहते हैं और 0.4875 भी कहते हैं. बत्रा टॉप इसके लिए कहते हैं क्योंकि जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे उन्होंने अपने टीम के साथ पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ पे हराया था और वही बैटल में उनकी डेथ हुई थी. वो शहीद हुए थे, उनकी एज अराउंड 24 ही थी और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था भारत सरकार की ओर से. सो ये एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन उनका रहा है.
सो दिस इज हर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसे मनोज पांडे गैलरी भी कहा जाता है। सो गाइज, हर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में मैंने एंटर कर लिया है, और 2017 में जब भी फर्स्ट टाइम आया था तभी सबको अंदर आना अलाउड था, बट अभी एंट्री नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। और मैं एक फ्रेंड है जो आर्मी में है, उसके थ्रू अंदर आ पाया हूँ, और मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीज़न, सिर्फ फोटोज़ बता रहा हूँ। और ये जो हर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो मीडिया का पार्ट है, जहाँ पे वो टाइम पे जो एक्टिव मीडिया था उन्होंने जो फुटेजेस रिकॉर्ड किए थे उसको डिस्प्ले किया गया है। सेकेंड पार्ट जो है वो बटालियन की हिस्ट्री बताता है, जहाँ पे उनको क्या टास्क दिया गया था, उन्होंने कैसे प्लान किया और वो कैसे कामयाब हुए। उसके अलावा उनके फ़ोटोज़ और उनको जो अवार्ड मिला था वो डिस्प्ले किया गया है। थर्ड पार्ट जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो आर्म्स और वेपन्स उन्होंने यूज़ किए थे अटैक करने के लिए वो दिखाए गए हैं, और उनके जो आई कार्ड्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी डिस्प्ले किए गए हैं। सो वो प्रूव करता है कि बॉस ये जो आर्मी थी वो पाकिस्तानी आर्मी थी जो अपने ऊपर अटैक कर रही थी,